अरे वाह, आप देख के लग रहा है कि मेरी दोनों बहुओं में सुलह हो गई है। बेटा, भोग लगाने के बाद ये पर्दा जरूर लगा देना। पापा, आज गणपति जी के सामने मैं सोऊंगी। क्यों? क्योंकि 4 दिन से आप सो रहे हो, मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए इनकी सेवा करने का। और वैसे भी आज आपके हाथ में चोट लगी है ना। अच्छा बाबा, पर पहले भोग तो लगा दे। एक मिनट मोहतरमा। अरे शेख साहब, आप? रावत साहब, आपने हमें आपके यहाँ पूजा में शरीक होने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके गणपति जी के लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हैं, कबूल कीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये तो बहुत कीमती लग रहा है, हम इसे कबूल नहीं कर सकते। रावत साहब, तोहफा है, कीमत मत देखिए, नियत देखिए। हम बस आपकी इबादत को सलाम करना चाहते हैं। शुक्रान। बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। जब बाकी है। शुभ रात्रि। बेटा, पर्दा जरूर लगा देना। बिट्टू, मैं सोच रही हूँ तेरे साथ ही सो जाऊं। जी जी माँ, आप चुपचाप जाके अपने रूम में सो जाइए, वरना मैं फिर से नाराज हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। थैंक यू। थैंक यू इसलिए? मदद करने के लिए। सुनो मेरी बात मिसेस फाल्गुनी रावत, एक बात को नोट करके रख लो, तुम्हें कभी भी मेरी कमी महसूस होगी ना, तो तुम मुझे अपने बहुत 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 करीब पाओगी। एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? भोग लगाने। इधर आओ, बैठो 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 बैठो। अरे बैठो। हाँ दिखाओ। अरे वाह, तुम्हारा घाव तो लगभग ठीक हो गया। अब पट्टी मेरे पतिदेव ने जो की थी, ठीक तो होना ही था ना। लगता है तुम्हारे पति देव ना तुमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। हे लड्डू गोपाल, मेरे सुयश की जिंदगी में हमेशा खुशियां बनाए रखना। तुम्हें पता 24 घंटे पूरे हो गए? हाँ, वो इन्वेस्टर्स ने कहा था कि शुभ मुहूर्त अभी नहीं है, 24 घंटे बाद है। 24 घंटे बाद वो डील साइन करेंगे, तो वही 24 घंटे पूरे हो गए।
आज वो सब लोग गणपति विसर्जन से पहले घर पे आ रहे हैं, दर्शन करेंगे और उसके बाद डील साइन करेंगे। प्याली ने 24 घंटे की मोहलत दी थी, मैं वो नहीं कर पाई जो उसने कहा था। अब पता नहीं वो क्या करेगी। वो कहते हैं ना, गणपति बप्पा जितने दिन भी आपके घर बैठते हैं ना, वो आपके सारे साल की दुखों की पोटली ले लेते हैं, और विसर्जन करते समय उन दुखों का भी विसर्जन हो जाता है। तो हमारे साथ भी वही होने वाला है। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। जीजी माँ, जीजी माँ, बिट्टू, क्या हुआ बिट्टू, घबराई हुई क्यों है तू? मूर्ति, क्या हुआ? नहीं थी मूर्ति, कहाँ है? पता नहीं पापा, रात में उठ के दिए में घी भी डाला था मैंने, तब तो थी मूर्ति, और सुबह नहा के देखा तो मूर्ति गायब। लेकिन ऐसे मूर्ति कौन लेके जा सकता है? कहीं रात को कोई चोर तो नहीं आया होगा? कली तो शेख साहब ने हमको इतना महंगा नौला का हार दिया, और आज ये मूर्ति। डैड, नौला का हार लेकर जाता ना, मूर्ति थोड़ी कोई लेके जाता है। हो सकता है ये किसी कंपेटिटर का काम हो, कोई शायद हमें नीचा दिखाना चाहता हो। मैं काम करता हूँ, मैं राधेलाल से पूछ के आता हूँ, गेट की सिक्योरिटी पे वही है। डैड, राधेलाल कह रहा है कि उसने ना तो किसी को आते हुए देखा और ना जाते हुए, और बाकी के नौकर अभी तक आए नहीं है। अब क्या करेंगे भैया, विसर्जन के पहले की अंतिम पूजा के लिए इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, उनको क्या बोलेंगे? मूर्ति गायब हो गई, मजाक बन जाएगा हमारा। ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए था। मैं अभी आई। फाल्गुनी, क्या ढूंढ रही हो बहना? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ प्याली। मैं बिट्टू को तुम्हें जीजी माँ कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाई, तो तुमने बदला लेने के लिए हमारी गणपति जी की मूर्ति को ही गायब कर दिया। तुम्हें पता भी है कि गणपति जी को घर पर बैठाने का और उनका विसर्जन करने का क्या महत्व होता है। सुबह की आरती होनी है, शाम को विसर्जन है, उससे पहले उन्हें भोग लगेगा प्याली, और तुम्हें इन सबसे क्या मतलब? तुम्हारे अंदर तो किसी भी भगवान के लिए कोई आस्था कोई श्रद्धा नहीं है। ये पूजा पाठ हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। बहना, एक पत्थर की मूरत के लिए इतना तिल मिला रही हो? वो पत्थर की मूरत नहीं है, हमारी आस्था है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला भगवान है वो हमारा। इतनी धूमधाम से हम उन्हें घर पर मेहमान बना के लाते और तुमने उनके साथ ये किया। मैंने तो पहले ही कहा था, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो सब भुगतेंगे। अब गणपति नहीं होंगे तो कहीं ऐसा ना हो सुयश और विधान की डील ही कैंसिल हो जाए। और लोग क्या कहेंगे, रावत खानदान ने कितने धूमधाम से मूर्ति की स्थापना की थी, पर बेचारे विसर्जन ही नहीं कर पाए। पर मैंने कोशिश तो की थी ना। ऐसी कोशिश का क्या फायदा कि तुम मुझसे और नफरत करने लगी, उल्टा हाथ जलाकर तुम तो और बड़ी बीवी बन गई। क्या खाक बनाओगी उसे? प्याली देखो, मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। अगर मैं बिट्टू के दिल से तुम्हारे लिए नफरत मिटा दूं, तो क्या तुम गणपति जी को वापस दे दोगी प्लीज? जो 24 घंटे में नहीं कर पाई वो मैं करके दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं कर लूंगी प्याली। उफ, क्या खूब अर्ज किया है, तेरे वादे पे जिए हम, तू ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना चाहते, कर ऐतबार होता। मैं पक्का उसे मना लूंगी प्याली, यकीन करो। ठीक है, पर इस बार की शर्त थोड़ी सी अलग है। क्या?
अब बिट्टू को मुझे सबके सामने गले लगाकर माफी मांगनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गणपति भी भूल जाओ और डेल भी।